भाजपा ने आज दो बांसदा और कोरबाई सीट से भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नाश्ते के ठेले पर पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान हरि सिंह सप्रे को टिकट मिलने का फोन आया और उन्होंने तुरंत फॉर्म लेने दौड़ लगा दी। विधानसभा चुनाव के लिए आज अनेक उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म जमा किए हैं। कोरबाई सीट से हरि सिंह सप्रे नाश्ता कर रहे थे, इसी दौरान उनके पास कोरबाई से प्रत्याशी बनाए जाने का फोन आया तो वे तुरंत झटपट गए और नामांकन फॉर्म खरीदा। टिकट होते ही हरि सिंह सप्रे ने नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन और उनकी धर्मपत्नी को साष्टांग दंडवत कर प्रणाम किया और आभार माना। वहीं नामांकन फार्म जमा करने पहुंचे भाजपा के प्रत्याशी मुकेश टंडन के साथ उनकी धर्मपत्नी व प्रस्तावक थे। इसी दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक भार्गव भी नामांकन जमा करने आए थे। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने शशांक भार्गव और पूनम भार्गव के चरण स्पर्श कर वोट देने की अपील की। शमशाबाद विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिष्णा यादव ने भी आज नामांकन फार्म जमा किया। आप उम्मीदवार अनुमा आचार्य ने भी अपना नामांकन जमा किया। सरवंज सीट से भाजपा प्रत्याशी उमाकांत शर्मा ने नामांकन जमा किया। उमाकांत शर्मा के साथ पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, युवा मोर्चा के बलवीर रघुवंशी भी मौजूद थे। वहीं गंजवासदा से भाजपा ने लीना संजय जैन को उम्मीदवार बनाया है। अभी शमशाबाद से भाजपा ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, जिससे अटकलें तरह तरह की लगाई जा रही हैं। राघवजी भाई और ज्योति साय भी नामांकन फार्म लेकर गए हैं। वहीं मंगलवार को इनका नेता सिंधु विक्रम सिंह शक्ति प्रदर्शन कर जनता के सामने निर्णय लेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा जाए या नहीं।